हमें वतन के नौजवान शहीद हो। पुकारते हैं ये जमीन आसमां शहीद हो। वतन पिता हमें वतन के नौजवान शहीद हो। गुलाम उस वतन के दुश्मनों से इंतकाम है, इन अपने दोनों बाजुओं से खंजरों का ताले। वतन के वास्ते वतन के बागबान शहीद हो। वतन पिता हमें वतन के नौजवान शहीद हो। हम अपनी ये तस्वीर उन शहीदों की भेंट करते हैं जिन्होंने वतन की आज़ादी के लिए अपनी जिंदगियां हंसते हंसते कुर्बान कर दी। 1930 में जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने नमक का कानून तोड़कर ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आंदोलन किया था तो पंजाब के एक शहर अमृतसर में महात्मा गांधी की जय, इनकलाब जिंदाबाद। 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 कमर से सर कर दो जिंदाबाद। जुलूस का मुंतशिर कर दो बिछा दो। राय बहादुर स्वाय कर दो जिंदाबाद। राय बहादुर स्वाय कर दो जिंदाबाद। महात्मा गांधी की जय, इनकलाब जिंदाबाद। महात्मा गांधी की जय, इनकलाब जिंदाबाद। हेलो राम, अपनी माँ को बुलाना। अच्छा पिताजी। माँ, पिताजी का टेलीफोन है। हेलो, तुम लोग सेठ हिम्मत राय के यहाँ चले जाना, मैं वहीं आऊंगा। तो राम और मैं दोनों जाए? अच्छा, देखिए विनोद कहाँ गया। हेलो, देखना विनोद वहाँ है। कौन? विनोद? विनोद आ रहा है। हेलो विनोद, देखो बेटा तुम राम के साथ पार्टी में चल जाना। जी, मैं भी वहीं पहुंच जाऊंगा। हाँ, अच्छा पिताजी। माँ, मैं बड़ा होऊंगा तो जवाहरलाल बनूंगा। हाँ मेरे लाल। परंतु माँ, फिर पिताजी को मोतीलाल बनना पड़ेगा। शरारती। चाची, अगर राम जवाहरलाल बनेगा तो मैं कमला नेहरू बनूंगी। ओ, मेरी बहुरानी बनोगी। तो लो, मुंह मीठा कर लो। और तुम क्या बनोगे विनोद? मैं पुलिस का कप्तान बनूंगा और राम को पकड़कर कैद करूंगा। अच्छा अच्छा, तुम खा लो, मैं अभी आई। अरे वाह रे टोडी बच्चे, राम को पकड़ कर कैद करेगा। देखो शीला, विदेशी कपड़े पहन के टोडी बच्चा बन गया है, राम को कैद करेगा। ए देखो शीला, तू मुझे टोडी बच्चा कहती है तो कुछ नहीं कहता, अगर और कोई कहता उसका मुंह तोड़ देता। अच्छा, तो हम कहते हैं तुम्हें टोडी बच्चा। टोडी बच्चा, देखो राम। टोडी बच्चा, टोडी बच्चा, टोडी बच्चा, टोडी बच्चा, टोडी बच्चा, टोडी बच्चा। Thank you.
हाय हाय। जवाहरलाल और कमला नेहरू मिलकर लोगों को मारा करते हैं। चलो अब पार्टी में जाने का वक्त हो गया। चलो बेटा, आज कौन सा ड्रामा कर रहे हो? आपको बताऊंगा नहीं पिताजी, मगर ड्रामा ऐसा करूंगा कि आप सब याद रखेंगे। अच्छा, लेकिन देख राय बहादुर द्वारका दास आ रहे हैं, कोई कांग्रेसी ड्रामा ना करना। राम मेरी मांग में संदूर भर दो। लाओ मैं लगा दूं शीला। नहीं विनोद, राम भरेगा। देखो शीला, अगर तुमने राम से सिंदूर लगाया तो मैं तुम्हें मारूंगा। ए, मैं नहीं हूं इधर, मारेगा। विनोद विनोद विनोद। अरे भैया, तुम लोग आपस में लड़ क्यों रहे हो? चलो ड्रामे का वक्त हो गया है। भाइयों और बहनों, मैं अभी भी यहां आया, मुझे पता चला कि आप लोग कोई ड्रामा कर रहे थे पुलिस के खिलाफ। मुझे ये सुनकर संदेह हुआ कि आपने अपने ही कुछ सत्याग्रही भाइयों को पुलिस बनाकर उनसे मारपीट की। मैं हैरान हुआ कि हमें कोई भी ऐसा काम क्यों करना चाहिए जो हमारी अहिंसा की स्पिरिट के खिलाफ हो। हमें ऐसा ना करना चाहिए था। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का ये जो नया सबक हमें मिला है, अहिंसा का, प्यार और मोहब्बत से आजादी की जंग लड़ने का, ये उस स्पिरिट के खिलाफ है। हमें कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए। सुनाचे मैं आपसे कहता हूं कि अपने राष्ट्रपिता जो हमारे लीडर हैं इस वक्त, जो हमें आजादी की जंग पर पहुंचा रहे हैं, उन्हें भी शायद उनका दुख होगा। और अब क्योंकि वक्त थोड़ा है, मैं आपसे कहता हूं
कि अपने राष्ट्रपिता के हुक्म के मुताबिक मैं नमक का कानून तोड़कर सत्याग्रह करूंगा और पुलिस मुझे पकड़ने आएगी। आप उनसे कोई दंगा फसाद नहीं कीजिए बल्कि उन्हें आराम से मुझे पकड़ ले जाने दीजिए। वंदे मातरम। पंडित जवाहरलाल नेहरू जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद। पंडित जवाहरलाल नेहरू जिंदाबाद। पंडित जवाहरलाल नेहरू जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद। आप गिरफ्तार कर लिए गए। बंद करो ये ड्रामा। राम मां से रूठे हो बेटा? डांटा बाप ने, गुस्सा मां पर, पानी ढलवान पर ही बहता है ना। मां जिस दिन से मैं जवाहरलाल बना हूँ पिताजी नाराज हैं। क्यों मां, क्या जवाहरलाल जी अच्छे आदमी नहीं है? ऐसा ना कहो मेरे लाल, जवाहरलाल तो हमारे दिलों के राजा हैं। वो माँ धन्य है जिसने इन्हें जन्म दिया था और वो देश भाग्यवान जिसकी नैया की ये खिवैया है। तो फिर पिताजी नाराज क्यों हैं माँ? जवाहरलाल सरकार के दुश्मन हैं और तुम्हारे पिताजी सरकार के नौकर। अच्छा, तो इसलिए मेरा खेलना कूदना मिलना जुलना बंद। देखो माँ, ये पिताजी का अन्याय है, मैं ऐसी आज्ञा का पालन नहीं करूंगा। मैं शीला से मिलूंगा और जरूर मिलूंगा। मैं जा रहा हूँ। अच्छा तो कुछ खा पी लो ना, सुबह से तुमने कुछ खाया नहीं है। माँ शीला से मिले हुए 4 दिन हो गए हैं, उसके बिना जी नहीं लगता। पहले शीला से मिला। शील कुछ खा लो ना मेरी बच्ची, राम को अभी बुलाए देते हैं। नहीं पिताजी, जब तक राम नहीं आएगा कुछ नहीं खाऊंगी। वो जब तक नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं खाओगी? नहीं पिताजी। तो क्या करोगी? गांधी जी की तरह भूख हड़ताल करूंगी। गांधी जी की तरह भूख हड़ताल करोगी? ओ शील की माँ, अगर तू आज जिंदा होती तो ये तेरे औलाद का दुख मुझे ना देखना पड़ता। क्यों रो रही है? चुप गोपाल। अरे गोपाल। जी पिताजी। अरे पिताजी के बच्चे, घर का घर चौपट कर दिया तूने। कोई जवाहरलाल तो कोई गांधी, देख देख भूख हड़ताल की धमकी दी जा रही है। जाओ बुला लाओ राम को, नहीं तो कुमारी जी खाना नहीं खाएंगी। अरे वाह रे गांधी महात्मा, संसार का तो कल्याण कर रहा है लेकिन मेरा घर क्यों चौपट कर रहा है? कहाँ जा रहे हो तुम? मैं शीला के घर जा रहा हूँ। तुम्हें मना किया गया था ना, तो फिर चलो अंदर चलो। चपरासी, राम के कमरे को ताला लगा कर चाबी मुझे ला दो। पंडित जी। महात्मा गांधी की जय। इंकलाब जिंदाबाद। देश में जागृति पैदा हो चुकी थी। देश के कोने कोने में इनकलाबी अंग्रेजी सरकार के खिलाफ सर उठा रहे थे। सरकार अपनी ताकत के बल पर इस तूफान को रोक रही थी। फरवरी 1931 में सरकार ने पंजाब के एक शेरदिल नौजवान भगत सिंह को उसके साथियों के साथ फांसी पर चढ़ा दिया। उसी साल गांधी इरविन समझौते के बावजूद सरकार ने कांग्रेस को गैर कानून करार देकर बड़े बड़े लीडरों को कैद कर लिया। इस तरह घटनाएं समय की लहरों में बहती चली जा रही थी। नन्ना राम इन सब घटनाओं को दिलचस्पी से देखते देखते परवान चढ़ा। उसका नौजवान दिल भी बगावत करना चाहता था मगर उसका दिमाग हजारों नौजवानों की तरह अंधेरे में ठोकरें खा रहा था। उसे अपने लिए कोई राह ना सूझी थी, वो क्या करे, अहिंसा या हिंसा।
और फिर अगस्त 1942 में। माँ, मैं बंबई जा रहा हूँ। क्यों? वहाँ कांग्रेस का जलसा है माँ, देश की किस्मत का फैसला होने वाला है। मुझे मेरी पार्टी ने बुलाया है। जाने से पहले अपने पिता से मिलोगे भी नहीं? तुम तो जानती हो माँ कि मेरा उनका रास्ता अलग अलग है। वो डिप्टी कमिश्नर है, मैं एक बागी। वो जिस हुकूमत की दीवारों को ऊंचा और मजबूत बनाना चाहते हैं, मैं उन्हें तोड़ देना चाहता हूँ, चाहे उन्हें तोड़ते तोड़ते मेरे सांस की डोर ही क्यों ना टूट जाए। ऐसा ना कहो मेरे लाल। तुम्हारी आंखों में आंसू माँ, तुम्हें तो मुझे आशीर्वाद दिया था कि मैं जवाहरलाल बनूं। मैं इस जन्म में जवाहरलाल तो न बन सकूंगा माँ, लेकिन देश का एक मामूली सिपाही जरूर बनूंगा। मुझे आशीर्वाद दो माँ। कौन जी? चाचा जी, मैं विनोद। देखिए पिताजी आज आ रहे हैं। अच्छा, तुम्हारे पिताजी आ रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है। तो आज का खाना यहीं रहेगा। कौन था? विनोद। उसके पिताजी आ रहे हैं? हाँ, एक खुशकिस्मत बाप। कितना फर्क है उसमें और मुझ में। बाप सुपरिंटेंडेंट पुलिस, बेटा एएसपी, मैं डिप्टी कमिश्नर और मेरा बेटा आवारा। तुम्हारे लाड प्यार ने ही उसे बिगाड़ा है, वरना आज वो भी आईसीएस होता। लेकिन मेरी ऐसी किस्मत कहाँ। याद है वो अमृतसर के दिन? जी हाँ, अच्छी तरह। आप, हम और वो सेठ, क्या नाम है उनका? सेठ हिम्मत राय। हाँ हाँ, सेठ हिम्मत राय, वो भी आ रहे हैं। वो यहाँ आ रहे हैं? और उनकी बेटी शीला? वो भी आएगी, मैंने तो उन्हें बुलाया है। दरअसल बात यह है, रिटायर हो चुका हूँ, सोचता हूँ विनोद के सर पर सेहरा देख लूँ। सारे मुल्क में आग लगी हुई है, ना जाने कल क्या होगा। आप देखते जाइए पिताजी, अब हुकूमत का पंजा होगा और कांग्रेस की गर्दन। ठीक है, कांग्रेस की गर्दन कट तो सकती है, झुक नहीं सकती। राय बहादुर, सख्ती आग पर तेल का काम करेगी, हुकूमत बुझाएगी वो और भड़केगी। हजूर, हजूर, पुलिस कप्तान साहब का टेलीफोन। माफ कीजिए। और लो ना विनोद। चाची, राम कहाँ गया है? इम्तिहान देने। इम्तिहान देने? लेकिन वो तो एमए पास कर चुका है। ये दूसरा इम्तिहान है। जी, यस यस, वो ऐसी। मैं विनोद को अभी भेजता हूँ। विनोद, और देखिए मुझे इत्तला देते रहिएगा, अगर मेरी जरूरत हो तो मुझे बुला लीजिएगा। विनोद, मिस्टर नूरी का टेलीफोन आया है, सीआईडी ने अभी इत्तला दी है। मालकों से कहना ये दौलत हिंदुस्तानियों की थी, वैसे वापस ले गए। चोर न मचाइए, मैं चोर नहीं, मैं सच कहता हूँ, मेरी बात का यकीन कीजिए। तो फिर तुम कौन हो? हम अंग्रेज हुकूमत के बागी हैं, हमें सरकारी खजाना लूटना था। तुम लुटेरे हो? हम देश के सिपाही हैं। तुम्हें यहाँ इस तरह बेधड़क आने का कोई हक नहीं है। आप हमारी मदद कर सकते हैं। तुम चले जाओ यहाँ से। मैं उम्र भर तक आपका एहसान नहीं भूलूंगा,
वरना हम लोग सबसे कौन विनोद जी हाँ तुम यहाँ कैसे आमिर सर ने तुमसे वादा किया था मैं कि स्टेशन पर लेने आऊंगा दरअसल बात यह है कि चंद डाकुओं ने सरकारी खजाना लूटा है इसी सिलसिले मुझे यहाँ तक आना पड़ा कोई पकड़ा भी क्या हाँ दो चार आदमी पकड़े गए बाकी फिर पकड़ लिए जाएंगे अच्छा मुझे और डब्बों की तलाशी लेनी है अंबाले में फिर मिलेंगे सुनो अंबाले में तुम राम से मिले कैसा है वो वैसा ही है जैसा बचपन में था अब तो वो भी बड़ा हो गया होगा जी नहीं मैं उससे नहीं मिला वो अंबाले में नहीं था ड्राइवर यहाँ कोई आया तो नहीं यहाँ तो कोई भी नहीं आया चलो चल 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 जल्दी 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 स्टार्ट आपने मेरी जान बचाई इसका बहुत बहुत शुक्रिया आप जाएंगे कहाँ जी इसका अभी कुछ ठीक नहीं किया पुलिस आपका पीछा कर रही है आप बचकर कहाँ जाएंगे यही तो मैं भी सोच रहा हूँ पियानो बजाना ही परेशानी की निशानी है आखिर मैं बाप हूं ना गो सख्त दिल ही सही है लेकिन फिर भी बाप हूं एक बाप अपनी औलाद से बहुत उम्मीदें रखता है वो अपने जिंदगी के अधूरे ख्वाब अपनी औलाद से पूरे होते देखना चाहता है लेकिन राम क्या हुआ राम ने कुछ किया यही तो मैं जानना चाहता हूं कि उसने क्या किया क्या राम आ गया हाँ कल आधी रात को आया ठहरो सुना है तुमने कल रात गाड़ी लूटी गई है लुटेरों का सरदार जख्मी हुआ है राम भी चार दिन घर से गायब रहा है जाओ उससे पूछो कि वो चार दिन कहां रहा है मैं सही वाकया जानना चाहता हूं राम खून मां मैं गिर गया था मुझे चोट आ गई गिर गए थे चोट आ गई मां से छिपा रहे हो मां मैं बहुत शर्मिंदा हूं बहुत शर्मिंदा हूं मगर तुम पुलिस से बचकर कैसे आ गए अब क्या होगा कहां छिपाऊंगी तुम्हें मैं माँ जब सर पे कफन बांध लिया है तो डर किस बात का है माँ से कफन की बातें कर रहे हो और फिर कहते हो डर किस बात का ये बात माँ के दिल से पूछो अब मैं क्या करूं तुम फिक्र न करो माँ मैं यहां से चला जाऊंगा चले जाओगे कहां और तुम्हारे पिताजी को क्या कहूंगी मैं वो सही वाकया जानना चाहते हैं इन्हें क्या जवाब दूं और तुम्हारा जख्म इसका क्या करूं जाओ डॉक्टर को बुलाओ डॉक्टर आएगा तुम्हारे पिताजी को पता चलेगा फिर पुलिस आएगी
मुकदमा होगा, जेल, फांसी। अगर डाका डालना था तो घर क्यों आ गए? जवाब दो, अब मैं क्या करूं? पाल छिपाओ तो मिल गए। पुलिस, ठहरो, मैं देखती हूं। ये तो सेठ हिम्मत राय और उनकी बेटी शीला। शीला? हाँ, शीला। चाची पगली, जानती हो किसके पांव छुए जाते हैं? सिर्फ छुए हैं, जानती नहीं। कितनी बड़ी हो गई है तू। हाँ, बहुत बड़ी हो गई है। इनसे मिलिए, आप है शीला दीदी। इस साल डॉक्टरी का इम्तिहान देने वाली है, कोई बीमार हो तो बताइए। अच्छा, शीला डॉक्टर बनेगी? इतनी सी थी तो हम भी इतने से थे। आप तो अब भी इतने से लाला जी। चाची, राम कहाँ है? राम? हाँ राय बहादुर, राम कहाँ है? उसकी माँ से पूछिए। भाभी, राम को बुलाइए ना। हाँ, अभी बुला लाती हूँ। चाची, मैं भी चलूँ साथ? तू? नहीं नहीं, तुम यहीं ठहरो। शीला, तुम्हें पियानो बजाना आता है?
तैयार हैं। हम भी तैयार हैं। चलो शीला जी। शीला आई चाची। आइए भाभी। राम राम दरवाजा खोलो ना। माफ करो शीला, मुझे इस वक्त बहुत जोर का बुखार है शीला, मैं उठ नहीं सकता हूँ। तुम जाओ। तुम्हें जोर से बुखार है? तब तो मैं नहीं जाऊंगी, तुम जानते हो ना मैं डॉक्टर हूँ। मैं जानता हूँ। देखो राम, सीधी तरह से दरवाजा खोल दो नहीं तो मैं मचाती हूँ शोर। फिर मेरा जिम्मा नहीं, सब लोग इकट्ठे हो जाएंगे। हाँ देखो मैं मचाती हूँ शोर, फिर खोलो दरवाजा। रेडी वन। शीला 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 बिना कुछ नहीं, देखो दरवाजा खोलो। टू राम थ्री। वही बिल्कुल वही आज से 10 बरस पहले वाले राम। मेरी कल्पना ने मुझे धोखा नहीं दिया। और मैं कैसी हूं राम? मालूम होता है मैंने तुम्हें कहीं कल गाड़ी में, इसलिए तो मैं तुमसे नहीं मिलना चाहता था। मुझ पर विश्वास करो राम, मैं ये राज अपने दिल की गहराइयों में छुपा कर रखूंगी। मुझे तुम पर नाज है, तुम देश के लिए अपनी जान तक की भी बाजी लगा सकते हो। राम क्या हुआ? रात के हादसे में मुझे गोली लग गई शीला। गोली निकलवाई नहीं अभी तक? राम तुम्हें खतरे का एहसास नहीं? बाहर गोली का जहर धीरे धीरे असर कर रहा है, 1 घंटे के अंदर गोलियां निकली तो जानते हो। मैं जाती हूँ चाचा के पास, डॉक्टर बुलाएं, तुम्हारा ऑपरेशन होगा। शीला डॉक्टर आएगा तो मैं पकड़ा जाऊंगा। शीला मैंने तो ये सोचा ही नहीं, ब्रिटिश सरकार की फांसी की बजाय मुझे ऐसे ही मर जाने दो शीला। ऐसा ना कहो, ऐसा ना कहो राम, मैं क्या करूं? तुम जानते हो मैं डॉक्टर हूं, मैं करती हूं तुम्हारा ऑपरेशन। तुम्हें मुझ पर विश्वास है? तुम्हें अपने आप पर विश्वास है? हाँ, लेकिन ऑपरेशन बिना क्लोरोफॉर्म के होगा, सहलोगे? सहलूंगा। अच्छा अच्छा तो मैं भी लाती हूँ अपना बैग। तुम ऑपरेशन शुरू कर दो शीला। मेरा नाम शीला नहीं है। तो फिर क्या है? शील। याद है तुम मुझे शील कहकर पुकारा करते थे? वो बचपन था शीला, और अब? और अब कुछ नहीं, तुम ऑपरेशन शुरू कर दो। थोड़ी देर।
ये लो। आज दूसरी बार तुमने मेरी जान बचाई है शीला, ये तुम्हारा दूसरा एहसान है। अच्छा जी राम, तुमसे एक बात पूछूं? पूछो। ऑपरेशन होते वक्त तुमने अपना सर मेरी गोद में क्यों रख दिया था? बस यूं। कोई और डॉक्टर होता तो भी तुम ऐसा ही करते? ना। राम। अरे भाई राम। गोपाल भैया। भैया, भैया, तुम आ गए। मैं तो समझी थी तुम तो मैंने गिरफ्तार कर लिए गए होगे। तुमने जिद की थी कि गिरफ्तारी से पहले तुमसे जरूर मिलूं, इसलिए चला आया। अरे भाई राम, तुम मुंबई से बगैर मिले ही चले आए। मालूम होता है शील, तुमने ऑपरेशन किया है। हाँ भैया, राम गिर गए थे ना, है ना राम? और ये गोली? ये शिकार खेलते खेलते गोली, क्यों राम, है ना? शील, मैं राम के विचारों को अच्छी तरह जानता हूँ और तुम मुझे ही बना रही हो। भैया, मैं जानता हूँ राम, कल रात गाड़ी लूटने का हादसा तुमसे ही हुआ, ये तुमने अच्छा नहीं किया। हिंदुस्तान छोड़ दो का नारा लगाने से अंग्रेज हिंदुस्तान छोड़कर नहीं चला जाएगा, और अगर चला भी गया तो मुल्क की जड़ें खोखली करके जाएगा। मुझे तुम्हारी अहिंसा पर कोई भरोसा नहीं गोपाल भैया, दुश्मन से मार खाना अकलमंदी नहीं, उसको मार देना ही दानाई है। बिल्कुल ठीक, दुश्मन को मारना ही दानाई है। ईंट का जवाब पत्थर, पत्थर की चोट फौलाद हो सकता है, मगर निम्रता से होंठों पर लाई हुई मुस्कुराहट का जवाब गाली नहीं हो सकता राम। तुम्हारा दुश्मन शर्म से गड़कर तुम्हारी मोहब्बत के वश में आकर खुद ही तुम्हारे कदमों में आ गिरेगा, वो जीत तुम्हारी अमर जीत होगी। उस दिन को 1000 साल लगेंगे गोपाल भैया। मानो लग भी जाए, अहिंसा से मारपीट कत्लो खून का अंत तो हो जाएगा और तुम्हारी हिंसा की प्यास तो बुझती ही नहीं। ये तुम दोनों क्या बहस में पड़ गए भैया, राम की तबीयत अच्छी नहीं, उन्हें आराम करने दो। अच्छा भी ना सही, एक काम करोगे गोपाल भैया, अगर बीमार ना होता तो तुमको तकलीफ ना देता। हाँ, बशर्ते किसी को गोली मार देने का ना हो। नहीं सुनो राम, तुमने तो मुझे पहचान लिया, लेकिन मैं तो बड़े सुषुप्ति में पड़ गया था। अरे तुम्हें पहचानना क्या मुश्किल बात है भाई, एएसपी हो, वर्दी से ही नजर आते हो। राम, हाँ? इनके साथ ज्यादा मेलजोल ना करो, हाँ? तुम हो देशभक्त, ये है पुलिस वाले, पकड़ लेंगे किसी दिन। अच्छा है राम, हाँ? तो मैं चला। अच्छा भैया बैठो ना गोपाल भैया। नहीं विनोद, तुम्हारे घर पे मिलेंगे। जल्दी क्या है, चलते हैं। देखो गोपाल भैया, मेरी किताब का ख्याल रखना। किताब? अच्छा अच्छा, नहीं किताब, कैसी किताब? और सना, विनोद याद है जब हम सब छोटे थे तो एक दिन राम ने और मैंने मिलकर तुमको खूब जोर से पीटा था। वो बचपन भी खूब था, काश वो दिन लौट आए। राम, तुम्हारा चेहरा क्यों पीला पड़ रहा है, तबीयत ठीक है ना? बुखार है ना। लाला जी पहले आप। पहले आप क्यों राम? अरे तुम तो बहुत बड़े हो गए, तुम तो हमको मिलने वकवाले वाले थे और फिर आए नहीं तो हम खुद चले आए। कैसे हो राम? नमस्ते चाचा जी। हाथ को क्या हुआ? कुछ नहीं, चोट आ गई थी मुझे। अरे तब तो मेरी शिला ने ठीक कर दिया होगा। डिप साहब, एक दिन मेरी कार में एक्सीडेंट हो गया और मेरी कमर टूट गई, लेकिन शिला कार के अंदर बैठी हुई थी, इन्होंने कैसे जोड़ दी। नहीं शिला तो शिला के चोट नहीं आई थी क्या? नहीं आई थी। अरे आई थी, आई थी, आई थी, नहीं आई थी, नहीं आई। मालूम होता है राम का खून बहुत ज्यादा निकल गया है, तभी तो चेहरा भी इतना जर्द पड़ गया है। क्यों शीला? अरे भाई, चोट लगने से खून नहीं बहेगा तो क्या पानी निकल आएगा? लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि खून निकला कैसे? क्यों शीला? विनोद, राम की तबीयत अच्छी नहीं, उसे आराम की जरूरत है, चलो चले। चलते हैं। देखो राम, आज तुम घर से बाहर नहीं निकलना, समझे? मालूम है तुम्हें, कल रात गाड़ी लूटने के हादसे में एक डाकू पुलिस की गोली से जख्मी हो गया था। अरे? हाँ हाँ, और पुलिस उसकी तलाश कर रही है। कहीं धोखे में तुम पकड़े गए तो खामखा चाचा जी पर इल्जाम आएगा कि उन्होंने गुनहगार को पनाह दे रखी है। बकवास बंद करो, चलो घर चले। Thank you.
तो क्या यह सच है? क्या? गाड़ी लूटने और गोली लगने का वाकया। अगर हो भी तो क्या होगा? अगर हो भी तो क्या होगा? क्या होगा? पुलिस आएगी, हथकड़ियां पहनाएगी, जेल जाओगे, फांसी की सजा होगी। तुमने गाड़ी लूटी है, आदमी मारे हैं, तुम्हें फांसी की सजा होगी, तुम्हें फांसी की सजा होगी। और मैं खुश होऊंगा, मैं खुश होऊंगा। तुम जैसे नालायक बेटे का मर जाना ही अच्छा है। अब भी मैं तुम्हें बचा सकता हूं, मौत के मुंह से निकाल सकता हूं, तुम माफी मांग लो। तुम माफी नहीं मांगोगे, माफी नहीं मांगोगे। ये मुझसे नहीं होगा पिताजी। तो निकल जाओ यहां से, बेशतर इसके के पुलिस आए और मेरे घर में तुम्हें हथकड़ियां पहनाए। तुम यहां से चले जाओ। जो आ गया पिताजी। अच्छा पिताजी आ गया, जिंदगी रही तो फिर दर्शन करूंगा। मैंने सब कुछ सुन लिया है राम, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। मैं खुश हूं। मुझे आशीर्वाद दो मां। ईश्वर तुम्हारी रक्षा करे। ये कंगन तो बहुत अच्छा है। सच? तुम्हें पसंद है? हाँ। शीला, मैं कितना खुशकिस्मत हूँ। अच्छा? हाँ शीला, मेरे और तुम्हारे पिता नीचे हमारी मंगनी की बातचीत कर रहे हैं। शीला, सिर्फ तुम्हारे हाँ की देर है। मेरी एक बात मानोगे विनोद? जरूर। देखो फिर पीछे बदल नहीं जाना। तुम कहो तो मैं जहर तक खा लूं। बस बस, इतनी कृपा जरूर कर डालो। ये लो, पैसे मैं देती हूँ, थोड़ा जहर खा लो, तुम्हारे लिए काफी होगा। मुझसे कड़क कर बात मत करो, ये रोबर में दफ्तर में दिखाना। तुम क्या समझते हो मैं अपना जीवन तुम जैसे देशद्रोही के हवाले कर दूंगी? सूरत देखिए आईने में। शीला, तुम मेरी शराफत का नाजायज फायदा उठा रही हो। तुम वो शराफत? 12 बरस के बाद अपने दोस्त राम से मिलने पर जो तुमने शराफत दिखाई है वो मैंने देखी है। तुम जिस राम पर अकड़ रही हो उसे चंद घंटों के अंदर ही गिरफ्तार करके जेल में डाल दूंगा। जेल में डाल दोगे? तुम्हारे पास उसके खिलाफ सबूत ही क्या है? सबूत? सबूत है ये गोली। ये गोली राम को गिरफ्तार कराएगी और ये कंगन तुम्हें पहनना होगा। राम, तुम यहां बेटा? मैं गोपाल भैया से मिलने आया था। मगर बीमारी की हालत में तुम घर से कैसे निकल पड़े? समझा, मैं राय बहादुर के विचारों को अच्छी तरह जानता हूं। राम, तुम चुप रह सकते हो मगर मैं नहीं। राय बहादुर मेरे भाई की तरह है। आज शाम को वो हमारे घर आ रहे हैं, मैं उनसे बात करूंगा। तुम भी आना राम, हमारी खुशी में शामिल होना।
आपकी खुशी? हाँ हाँ, शायद आज शाम को शीला और विनोद की मंगनी होगी। आऊंगा, जरूर आऊंगा। शाम, शाम, शाम। कमरा खाली है? जी हाँ। आपका नाम? मिस्टर एंड मिसेस दीपक। शामू, इन्हें ऊपर के कमरे में ले जाओ। तुमने मुझे यहाँ लाकर छोड़ दिया, तुम्हारा एक और एहसान है। अब तुम जाओ। तुम्हें इस हालत में छोड़कर चली जाऊं? हाँ। क्यों? तुम्हारे घर के लोग तुम्हारी बाबत क्या सोचेंगे? तुम मेरी फिक्र ना करो। कैसे ना करूं? आज शाम को तुम्हारी विनोद से मंगनी होने वाली है। तुम घर पर ना होगी, कितनी बातें होंगी, कितनी बदनामी होगी। तुम्हें अपनी इज्जत का डर नहीं, मुझे तो है। तुम्हारी इज्जत? हाँ। तुम चली जाओ यहां से। तुम्हारा मेरा क्या साथ है? मैं एक बागी हूं, कानून की नजरों में एक मुजरिम हूं। मेरी जिंदगी और मौत में एक ही कदम का फासला है। विनोद एक बड़ा सरकारी अफसर है, तुम एक दौलतमंद की लड़की हो। तुम दोनों का रिश्ता, तुम चली जाओ यहां से। शीला, चली जाओ। चली जाऊंगी, अभी चली जाऊंगी। तुम्हें तेज बुखार है, तुम लेट जाओ, तुम्हारी देखभाल की जरूरत है। मेरी देखभाल? मेरी देखभाल एक बहाना है। तुम्हें यहां रहने के लिए एक बहाने की जरूरत है। मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है शीला, मुझे तुम्हारा सहारा नहीं चाहिए। क्या हुआ मुझे? मैं अच्छा भला हूं, मैं बोल सकता हूं, मैं चल सकता हूं, मैं फिर सकता हूं, मैं बोल। चले जाओ शीर, चले जाओ शीर, चले जाओ। तुम चली गई शील, तुम चली गई शील, मुझे यहां अकेला छोड़कर चली गई। क्या यही था तुम्हारा प्यार? काश तुम न जाती, मुझसे लड़ती झगड़ती, मेरा मुंह बंद कर देती। वापस आ जाओ शील, जहां भी हो वापस आ जाओ। लेकिन तुम वापस नहीं आओगी, मैंने खुद ही तो तुम्हें ठुकराया था। मुझे गलत मत समझना शील, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, तुम मेरी देवी हो। मैं अपने आखिरी सांस तक तुम्हारी पूजा करता रहूंगा।
मेरा ख्याल है गोपाल भैया पुल तक पहुंच गए होंगे। कुछ और बातें करो राम, कुछ और बातें करो। पुल उड़ गया, मालूम होता गोपाल भैया वक्त पर नहीं पहुंचे। कौन हो तुम? एक शरीफ हिंदुस्तानी। यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं। कुछ नहीं, ले जाओ इसे थाने। चलो तुम मेरे साथ। तुम्हारा नाम? गोपाल। तुम वहां क्या करने गए थे? यूं ही सैर करने गया था, रात का 12 बजे। देखो विनोद, तुम्हारे आदमी मुझे पुल उड़ाने के जुर्म में गिरफ्तार करके लाए। तो आप वहां क्या करने गए थे? यूं ही। ओ समझा, शायद राम की किताब लेने गए होंगे। लेकिन विनोद, तुम तो जानते हो कि मैं अहिंसावादी हूं। जानता हूं। तो फिर आज रात आपको यहीं रहना होगा, कल देखा जाएगा। तुमसे एक बात पूछूं? पूछ। तुम्हें दोनों में से कौन ज्यादा प्यारा है, देश या मैं? देश मेरा फर्ज है, तुम मेरी जिंदगी हो। जिंदगी और फर्ज एक दूसरे से अलग अलग नहीं किए जा सकते। शील राम, तुमने ये कहकर आने वाले जुदाई के दिनों को कितना सुंदर बना दिया है। मैं हंसते हंसते तुम्हारा इंतजार करूंगी। कल देश आजाद होगा, देश के लिए कुर्बानियां जो तुम छिप छिप कर करोगे कल दुनिया को मालूम होंगी। और जब तुम अपने साथियों के साथ देश की आजादी की जंग जीत कर आओगे तो लोग जोश में आकर तुम्हें अपने कंधों पर उठा लेंगे, तुम्हारी जय जयकार के नारे लगाएंगे और तुम्हारे गले में फूलों के हार पहनाएंगे। तब मैं भी एक कोने में खड़ी फूलों का हार लिए तुम्हारी राह देख रही होंगी। तुम्हारा शानदार जुलूस मेरे पास से गुजरेगा, मैं आगे बढ़कर तुम्हारे गले में फूलों का हार डाल दूंगी और कहूंगी मेरे देवता तुम आ गए। और तुम्हें इतनी फुर्सत भी ना होगी कि मेरी तरफ एक आंख उठाकर देख सको। और अगर मैं लड़ाई से वापस ना आ सका तो? शील, ऐसा ना कहो राम, ऐसा ना कहो। शील राम, सूरज निकल आया है। शील, अब तुम्हें जाना चाहिए। जाना चाहिए, लेकिन जाने को जी नहीं चाहता। जाना तो होगा ही शील। मगर तुम्हारी जुदाई, हम जुदा नहीं हो रहे शील, हम जुदा नहीं हो रहे। हमारी आत्मा एक हो चुकी है, वक्त पर फासला हमें एक दूसरे से जुदा नहीं कर सकता। तुम जाओ शील, जाओ मेरे शील, जाओ। अच्छा राम, मैं जाती हूं। को याद बनकर, रात को सपन बनकर तुम जब भी मुझे याद करोगी मेरे सांस की आवाज तुम्हें सुनाई देगी। शील, अब हंस दो शील, अब हंस दो, हंस दो शील, अब जाओ शील, अब जाओ। डॉक्टर साहब, बीमार का हाल कैसा है? लीजिए, पैसे मैं देता हूं,
अब जहर आप खा लीजिए। माँ बाप की इज्जत का ख्याल भूलकर एक शरीफ घर की लड़की रात भर घर से गायब रहे, उसके लिए जहर खा लेना ही अच्छा है। सुनिए तो, आप ऊपर जा रही हैं, पिताजी से कह दीजिएगा गोपाल भैया गिरफ्तार कर लिए गए। ये सुनकर उन्हें दुख नहीं होगा, ये उनकी पहली नहीं चौथी गिरफ्तारी है। होगी, लेकिन इस बार जुर्म निहायत संगीन है। जी, दरिया पर से पुल उड़ाया है उन्होंने, वहां से रेल गुजरती है, जंगी कामों में सख्त रुकावट है इस पुल का उड़ना। जानती हैं इसकी सजा क्या होगी? मौत। मौत। लेकिन भैया तो अहिंसा के पुजारी हैं, वो तो हिंसा को नहीं मानते, वो बेगुनाह है। वो बेगुनाह है या नहीं इसका फैसला अदालत करेगी। मेरा जो फर्ज था मैंने अदा कर दिया। हाँ, मैं अब भी उन्हें छोड़ सकता हूं। अच्छा ये बताइए, एक कल राम और आप इकट्ठे रहे थे ना, तो राम कहाँ है? मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम। डिप्टी साहब, देखा मेरी संतान का हाल, गोपाल अभी तक नहीं आया। आ जाएगा लाला जी, घबराने की क्या बात है? नहीं डिप्टी साहब, वो पकड़ा गया होगा। हाँ चाचा जी, गोपाल भैया पकड़ लिए गए। कब? कल रात को। देखा डिप्टी साहब, वो जेल को घर और घर को जेल समझता है। डिप्टी साहब, गांधी महात्मा संसार का तो कल्याण कर रहा है, लेकिन मेरा घर चौपट कर रहा है। क्या हुआ लाला जी, ये गोपाल की पहली गिरफ्तारी तो नहीं? लेकिन इस बार गिरफ्तारी एक निहायत संगीन जुर्म पर हुई है पिताजी। कल जब रेलवे पुल उड़ाया गया था, गोपाल भैया वहां मौजूद थे। नामुमकिन, वो हिंसा को नहीं मानता। ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि कल वो उसी जगह पर पाए गए थे और राम के साथ उनकी सास बांध है। विनोद, मुझे अफसोस है चाचा जी, मगर मैं क्या करूं, मैं अपने फर्ज से मजबूर हूं। विनोद, तुम चाहो तो इनकी मदद कर सकते हो, ये मैं अच्छी तरह जानता हूं। मगर मैं ऐसा क्यों करूं पिताजी? हमारे लिए बेटा, शीला के लिए। आपने क्या किया है मेरे लिए, शीला ने क्या किया है मेरे लिए, आखिर तुम चाहते क्या हो इनसे? बेद भी माफ हो पिताजी, मैं चाहता हूं शीला मुझसे शादी कर ले। मगर इसके लिए तो सेठ जी रजामंद हैं। सेठ जी की रजामंदी से क्या होता है, शीला तैयार नहीं। फिर शीला को तुम मना लो। उसी के मनाने के लिए तो सब कुछ कर रहा हूं, खुशामद और मिन्नतों से नहीं मानी, इसलिए जोर आजमाई करनी पड़ी। गोपाल भैया को अब भी मैं छोड़ सकता हूं अगर शीला मुझसे शादी करे तो, वरना हो सकता है एक दिन गोपाल भैया फांसी के तख्ते पर लटकते हुए नजर आए। खामोश, अपने मतलब के लिए तुम इतना गिर सकते हो, इसका मुझे खामे भी ख्याल न था। भाई की मौत का खौफ दिलाकर शीला से शादी करना चाहते हो? नालायक, निकल जा मेरे घर से। आप भूल कर रहे हैं पिताजी, ये घर आपका नहीं मेरा है। खैर, आपने पाल पोस कर बड़ा किया है, एएसपी बनवाया है, इस एहसान के बदले मैं यहां से चला जाता हूं। विनोद ठहरो, डिप्टी साहब, आप दोनों के झगड़े में मेरा बेगुनाह बेटा फांसी चढ़ जाएगा। विनोद, मैं शीला से पूछता हूं, वो गोपाल से बहुत प्यार करती है, वो उसके लिए कुछ भी कर देगी। देखिए चाचा जी, अगर शीला मान गई तो शादी भी आज ही होगी, मुझे लगन वन पर कोई इतराज नहीं। बेटी, मैंने सब कुछ सुन लिया है पिताजी, भैया जिंदा रहेगा, करना चाहते हो ना? हाँ। और तो कुछ नहीं?
तुमने मुझसे शादी कर ली, मुझे सब कुछ मिल गया। त्याग किया है ना, फिर रोती क्यों है? बलिदान तो हंस हंस कर किया जाता है। देश की आजादी की जंग जीत कर आओगे तो लोग जोश में आकर तुम्हें अपने कंधों पर उठा लेंगे, तुम्हारी जय जयकार के नारे लगाएंगे, तुम्हें फूलों के हार पहनाएंगे। तब मैं भी एक कोने में खड़ी फूलों का हार लिए तुम्हारी राह देख रही होंगी और कहूंगी, मेरे देवता तुम आ गए, तुम आ गए। मेरी बहन नहीं, मेरी बहन एक देशद्रोही के साथ शादी नहीं कर सकती। पहचानो तो कौन है? बोलो क्या है? दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो ना शील। मुझे शील ना कहो, मैं तुम्हारे मुंह से कोई भी प्यार का लफ्ज नहीं सुनना चाहती। अजीब बात है, ये सुहाग की रात है या जंग की रात? दुल्हन अंदर, दूल्हा बाहर। देखो शीला, तुम मेरी स्त्री हो, मैं तुम्हारा पति हूँ, तुमने मुझसे शादी की है, मेरा तुम पर पूरा पूरा हक है। तुम्हारा मुझ पर कोई हक नहीं, मैंने तुम्हें शादी का वचन दिया था सो कर ली, अब तुम चले जाओ यहाँ से। अच्छा तो ये बात है। सुनो शीला, मुझे गुस्सा ना दिलाओ, दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा, नहीं मैं तोड़ दूंगा। खोलो शीला, दरवाजा खोलो। सुनो विनोद, तुम्हारा और मेरा रिश्ता सिर्फ इतना है कि दुनिया की नजरों में तुम मेरे पति हो, और मेरे लिए इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। मैंने मजबूर होकर तुमसे शादी की है, तुमने मुझे खरीदा है, तुम्हें खरीदी हुई चीज से प्यार ना मिलेगा, और अगर तुमने जबरदस्ती की तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। तो सुनो शीला, मैं भी कह देता हूँ, जिस तरह तुमने मेरे साथ शादी की है उसी तरह तुम एक दिन अपने आप को मेरे हवाले कर दोगी। मुझ में इतना सब्र है कि मैं उस दिन का इंतजार कर सकूं। वो दिन कभी ना आएगा। देखा जाएगा। तुम जब भी मुझे याद करोगी
मेरे सांस की आवाज तुम्हें सुनाई देगी। तकदीर की आंधी ऐसी चली, कश्ती से किनारा छूट गया, एक तेरा सहारा दिल को था, हर वो भी सहारा टूट गया, उजड़ा उम्मीदों का तुम पर हम कहाँ, और तुम कहाँ पर हम कहाँ, तुम कहाँ अरमां तड़पते रह गए, है हम कहाँ तुम कहाँ, है हम कहाँ तुम कहाँ। दो दिल बिछड़ कर रह गए, कदमों पे कदमे रह गए, कदमों पे कदमे रह गए, कैसे मिलूं तुमसे सजन, है हम कहाँ आज तुम कहाँ, है हम कहाँ आज तुम कहाँ। है वो मुलाकातें गईं, वो प्यार की बातें गईं, तजर्बा कामयाब रहा है। वंदे मातरम गुरुदेव। वंदे मातरम। राम तुम आ गए, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। कमला राम आ गया है, तुम कल पार्टी की मीटिंग बुलाओ। यह है तहसील और यह है पक्की सड़क और यह है गांव, यहां पर कोई रेल नहीं आती। अगर इस सड़क को तबाह कर दिया जाए तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को फौजें भेजने के लिए कोई रास्ता नहीं रह जाता। मेरी राय यह है कि आजादी की जंग यहां से शुरू की जाए। आप लोगों की क्या राय है? मेरा ख्याल है आप ठीक कहते हैं गुरुजी। तो अब सवाल यह है कि लड़ाई की कमान किसके हवाले की जाए? राम इधर आओ, मुझे तुम्हारी हिम्मत और दिलेरी पर पूरा भरोसा है, इसलिए मैं लड़ाई की कमान को तुम्हारे हवाले करता हूं। मुझे यकीन है सारे साथी मेरी राय का पास करते हुए तुम्हारे वफादार रहेंगे। हम वादा करते हैं गुरुदेव, हम राम के वफादार रहेंगे। राम अब इस झंडे की इज्जत तुम्हारे हवाले है, इस झंडे पर शहीदों के खून से हिंदुस्तान की तारीख लिखी हुई है। ये मामूली कपड़ा और उस पर फैले हुए रंग जब आपस में मिल जाते हैं तो एक कौम की शान, एक देश की आवाज और करोड़ों इंसानों की इज्जत बन जाते हैं। सत्याग्रह
हड़ताल, विदेशी माल का बाइकाट, अहिंसा, पिकेटिंग, जलसे, जुलूस, इन सब में तो ये झंडा शामिल था। जलियान वाले बाग की दीवारें शहीदों के खून से रंगीन हो गईं। ये झंडा लहराता रहा, ये झंडा जो हमारे देश आजादी का निशान है, हमें भी गांव गांव लहराना है। राम, इस झंडे को थामने के लिए लोहे का दिल और फौलाद के हाथ होने चाहिए। जान चाहे चली जाए, इस झंडे की इज्जत न जानी चाहिए। एक सिपाही के लिए इससे शानदार मौत और क्या होगी कि तुम झंडे की हिफाजत करते हुए मर जाओ और लोग कहें राम जिंदाबाद। राम जिंदाबाद नहीं गुरुदेव, ये तिरंगा जिंदाबाद, देश जिंदाबाद, आजादी की जंग जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। वतन की राह में वतन के नौजवान शहीद हो, वतन की राह में वतन के नौजवान शहीद हो। पुकारते हैं ये जमीन आसमां शहीद हो, पुकारते हैं ये जमीन आसमां शहीद हो। वतन की राह में वतन के नौजवान शहीद हो, वतन की राह में वतन के नौजवान शहीद हो। शहीद तेरी मौत ही, शहीद तेरी मौत ही, तेरे वतन की जिंदगी, तेरे लहू से जाग उठेगी इस चमन की जिंदगी, तेरे लहू से जाग उठेगी इस चमन की जिंदगी। खिलेंगे फूल उस जगह पे तू जहाँ शहीद हो, खिलेंगे फूल उस जगह पे तू जहाँ शहीद हो। वतन की राह में वतन के नौजवान शहीद हो, वतन की राह में वतन के नौजवान शहीद हो। गुलाम उठ वतन के दुश्मनों से इंतकाम ले, इन अपने दोनों बाजुओं से खंजरों का थाम ले। चमन के वास्ते चमन के बाहुबल शहीद हो, वतन की राह में वतन के नौजवान शहीद हो, वतन की राह में वतन के नौजवान शहीद हो। पहाड़ तक भी कांपने लगे तेरे जुनून से, तू आसमां पे इनकलाब लिख दे अपने खून से, खून से। जमीन नहीं तेरा वतन है आसमां शहीद हो, जमीन नहीं तेरा वतन है आसमां शहीद हो। वतन की राह में वतन के नौजवान शहीद हो, वतन की राह में वतन के नौजवान शहीद हो। हमें एक इंकलाब लाना है और वो इंकलाब हमें दुश्मन की लाशों पर ताबीज करना होगा। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। गोपाल भैया, गोपाल भैया राम से नहीं, एक अहिंसावादी हिंसक से पूछ रहा है। पूछिए। आपकी इस छोटी सी कामयाबी से मैं खुश जरूर हूँ, मगर मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या हमारी आजादी का काफिला खून के भरे हुए रास्ते से गुजरेगा? क्या हमारी आजादी का शानदार महल लाशों पर खड़ा किया जाएगा? हाँ, कोई इंकलाब कभी खून के बलिदान के बगैर कामयाब नहीं हुआ और नहीं कभी हो सकता है। लेकिन महात्मा गांधी ने हमको एक नई राह दिखाई है, दुश्मन को भी मोहब्बत और प्यार से जीतना।
अहिंसा के हथियार से लड़ाई। बेशक दूसरे मुल्कों में इनकलाब बगैर खून के कामयाब नहीं हुआ, लेकिन हमें तारीख को दोहराना नहीं, उसमें एक नया वर्ग बढ़ाना है। हमें दुश्मन के जिस्म के टुकड़े टुकड़े नहीं करने, उनके दिल बदलने। आप लोग अभी सोच रहे हैं, इंकलाब कभी नहीं सोचता। इंकलाब एक ही असूल जानता है, तलवार का बदला तलवार और खून का बदला खून। इन्हें कुछ मत कहो। आप यहाँ कैसे आए गोपाल भैया? ग्राम सुधार का काम करते करते आप पहुँचा राम। तो आइए 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 आइए। राम, आज तुम्हें अहिंसा से नफरत, महात्मा गांधी की अटल सच्चाई से वैर है और अपनी हिंसा की शक्ति पर पूरा भरोसा है। लेकिन याद रखो राम, मनुष्य के खून से रंगी हुई जीत असल में सभ्यता और इंसानियत की सबसे बड़ी शिकस्त है। एक ना एक दिन ना सिर्फ तुम्हें बल्कि सारी दुनिया को महात्मा गांधी के असूलों को मानना ही पड़ेगा। राम, जब तुम देश की आजादी की जंग जीत कर आओगे तो लोग तुम्हारी जय जयकार के नारे लगाएंगे, तब मैं भी एक कोने में खड़ी फूलों का हार लिए तुम्हारी राह देख रही हूँगी। राम, क्या सोच रहे थे? कुछ नहीं भैया, कुछ तो है। घर में सब कैसे हैं भैया? अच्छे हैं सब? अच्छे सब? अच्छे मुझे याद करते हैं कभी? हाँ हाँ, क्या कहते हैं? तुम्हारी तारीफ करते हैं और पिताजी कहते हैं कि राम बहुत बहादुर है और वो मौत से नहीं डरता। और शील क्या कहती है भैया? भैया शील क्या कहती है? शील के कहने न कहने से क्या होता है? तुम शौलों के बीच खड़े हो राम, तुम्हारे आगे लाखों इंसानों की आजादी, जिंदगी और सुख दुख का सवाल है। तुम्हारी जिम्मेदारी के बोझ के आगे शीला की बातें और विचार क्या हकीकत रखते हैं? उसकी बातें मुझे ढारस देती हैं भैया, उसके विचार मेरा सहारा है, वो मेरे इरादों की कुव्वत है, मेरी आत्मा है। वो एक ऐसा दिया है जिसकी लौ से मेरी निराश और तारीख घड़ियां जगमगा उठती हैं। उसके बगैर मेरे कदम नहीं उठेंगे भैया, मैं खो जाऊंगा। पागल हो राम, वो तुमसे बहुत दूर जा चुकी है, तुम उसका ख्याल छोड़ दो। क्या मतलब? तुम उसका ख्याल छोड़ दो, मैं कहता हूं तुम उसका ख्याल छोड़ दो। भैया हाँ राम, उसने विनोद से शादी कर ली है। तुम झूठे हो, तुमने झूठ कहा है, तुम बिल्कुल झूठे हो, झूठे हो। राम, तुम इन बातों से बहुत बुलंद हो, तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, हौसला रखो। वापस खुफिया कैंप चली जाओ। गोपाल भैया, आप भी मेरे आने तक गुरुजी के पास रहिएगा। आपने जो कहा है मैं वो अपनी आंखों से देखूंगा, मैं वो अपनी आंखों से देखूंगा। गोपाल भैया, मैं वो अपनी आंखों से देखूंगा। Thank you.
हम तुमको ना पाएंगे, तुम हमको ना पाओगे। तुम भूल भी जाओगे क्या ये भी सितम होगा, तुम भूल भी जाओगे। हो रही होगी आज मैं दौरे पर नहीं गया। तुम? मेरे कहने से आया ने खिड़की खुली रखी थी, इस वक्त घर में कोई नहीं। बोलो तुम क्या करोगी? मैं खिड़की से गिरकर अपनी जान दे दूंगी। खिड़की से कूदकर अपनी जान दे दोगी? शीला का सर नोट किसी ने ये क्या कर रहे हो राम? वो शीला का पति है, शीला उससे मोहब्बत करती है, शीला उससे मोहब्बत करती है। क्या बात है बहू? जी वो पिताजी हम तो मजाक कर रहे थे। विनोद तुम तो दौरे पे जाने वाले थे ना? जी बस। अच्छा तो मजाक करने के लिए दौरे पे नहीं गए? विनोद तुम्हारे कागज। अरे ये तो राम के कागज है। मालूम होता राम यहां आया है, लेकिन आया कहां से? राम यहां आया था। ये है उसी पांव का निशान, वो जरूर इसी रास्ते आया होगा। ये कागज राम के खुफिया ठिकाने के। शुक्रिया। चंद ही दिनों में राम के ठिकाने पर हमला करता हूं, फिर देखना क्या होता है। गुरुदेव, गुरुदेव। अंदर राम। क्या है? पुलिस को हमारे ठिकाने का पता चल गया गुरुदेव, वो हमले के लिए आ रही है।
तुम खतरा घंटा बजा दो। बहादुर नीचे को दब के रहो। अच्छा राम साहब, पहला सिंह सब ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है। हाँ तो फिर आज देखना है। हाँ साहब आज देखना है। श्रीवत नाना जी वो ढक दिया सब। हाँ ढक दे। अपनी बंदूकें तैयार कर लो। अच्छा साहब। शूट। करो हमला करो। मेरे पीछे पीछे आओ। मेरे दोस्त थे विनोद, जिनके लहू में तुम्हारे हाथ रंगे हुए हैं। तो मारो जल्दी, लो मारो। इससे पहले तुम्हें यह बताना होगा विनोद कि तुम्हें हमारा ठिकाना किस गद्दार ने बताया है। शीला ने। शीला ने? लेकिन उसे हमारा पता कैसे मालूम हुआ? तुमने भूल से अपने खुफिया ठिकाने के कागज हमारे घर में गिरा दिए थे, वो शीला ने मुझे दे दिए। वो तुमसे शादी करने के बाद मेरी गिरफ्तारी भी चाहती है। हाँ, हाँ, उसे तुमसे मोहब्बत है ना? हाँ, हाँ, इस मोहब्बत को भी उजड़ना था। तैयार हो जाओ विनोद। राम तुम शीला से मोहब्बत करते हो, तुम उसका सुहाग नहीं छीन सकते। राम राम जाओ विनोद, चले जाओ यहां से। जाओ मैं तुम्हें नहीं मारता, जाओ मैं इसका सुहाग नहीं छीनता। विनोद चले जाओ, मेरी नजरों से दूर हो जाओ, मेरी नजरों से दूर हो जाओ, चले जाओ यहां से, चले जाओ यहां से, चले जाओ। मालूम होता है हम खतरे से निकल आए। तो मैं राम को सिग्नल दूं? हाँ दे दो। मेरा ख्याल है देव खतरे के हद के बाहर निकल चुका होगा, अब हमें भी चले चलना चाहिए। जैसी आपकी मर्जी। अच्छा तो चलो चले। साहब
गोपाल भैया, आप यहाँ? आप तो अहिंसा के पुजारी थे ना? छूट! विनोद, विनोद, इधर ले आओ। राम, सुखजी को बचाने के लिए तुम अपने बाप पर भी हाथ उठाने से द्वेष नहीं करोगे? नहीं, ये सब मेरी ही गलती से हुआ और मुझे को ये सब ठीक भी करना होगा। गुरुजी को जेल से निकाल लाना मेरा जिम्मा। तो जेल और रिवाल्वर। और राम, हो सकता है कि तुम अपने बाप के घर से नाकाम लौटो तो फिर तुम शीला के घर जाना, उस पे दबाव डालना। और कमला, तुम्हें नस बनकर शीला के घर जाना होगा, लेकिन गुरुजी को बचाने के लिए हमें अपनी जान पर भी खेल जाना होगा। जानते हो ना, हुकूमत ने तुम्हारी गिरफ्तारी के लिए 10,000 रुपए इनाम रखे हैं। जानता हूं। तो तुम ये कहना चाहते हो कि मां बाप की मोहब्बत तुम्हें यहां खींच लाई? जी नहीं, मुझे मेरा फर्ज यहां आया। तुम्हारा फर्ज? माँ बाप के लिए भी तो तुम्हारा कुछ फर्ज है। है, मगर मेरा और आपका रास्ता अलग अलग है पिताजी। राम, तुम अपना रास्ता छोड़ दो, मैं तुम्हें अब भी बचा सकता हूं। आप मुझे बचा सकते हैं? हाँ, तो आप गुरुजी और गोपाल भैया को भी रिहा कर सकते हैं। शायद उनको रिहा कर देता, लेकिन अब नहीं करूंगा। क्यों? उन्होंने मेरा बेटा मुझसे छीना, उन्होंने तुम्हें गुमराह किया। उन्होंने मुझे गुमराह नहीं किया पिताजी, मुझे गुमराही से बचाया है। एक दिन आएगा जब आपको अपनी गलती का एहसास होगा। तुम्हारा ये दावा है? जी। तो अभी मैं नहीं छोड़ूंगा। तो फिर मुझे डर है पिताजी कि मेरी पार्टी का हुक्म और मेरा असूल मुझे मजबूर न कर दे कि मैं आपको जान से मार डालूं। तो तुम मुझे जान से मारोगे? बेटा बाप की जान लेगा? मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम अपने उसूलों के लिए अपने बाप की जान ले सकते हो। और तुम्हें भी सुनकर खुशी होगी कि तुम्हारा बाप भी अपने उसूलों के लिए तुम्हें फांसी के तख्ते पर चढ़ा सकता है। फर्क सिर्फ इतना है पिताजी कि आपका उसूल सरकार के लिए है और मेरा देश के लिए। देश? इस नारे ने बहुत से लोगों को बर्बाद कर दिया और उनमें तुम भी हो। देश के लिए किसने क्या किया सब अपने लिए करते हैं। लीडरी मिलती है, इज्जत होती है, फूलों के हार पहनाए जाते हैं, जय जय के नारे लगाए जाते हैं। जी हाँ, हथकड़ियां भी पहनाई जाती हैं, बर्फ के सिलों पर नंगे बदन भी लिटाया जाता है, गले में फांसी का फंदा भी डाला जाता है। खैर जाने दीजिए, मैं आपसे अपने सवाल का जवाब चाहता हूं। आप मेरे गुरुजी और गोपाल भैया को रिहा करेंगे या नहीं? नहीं, मैं इन धमकियों से डरने वाला नहीं राम। मैं जिस कुर्सी पर बैठा हूं उसकी इज्जत बचाना भी जानता हूं। मैंने तुम जैसे सैकड़ों बागियों के सर कुचले हैं। इससे पहले कि मैं कानून को हरकत दूं, चले जाओ यहां से। राम,
बातें कर रहे थे, आवाज तो मेरे राम की मालूम होती थी। कहाँ है राम? कोई नहीं, ना तो कोई नहीं, ये मेरी भूल थी, मेरा वहम था। अपनी मां को, हमें यह सुख दिया है तुम्हारी देशभक्ति ने। आपने एक ही मां को रोते देखा है पिताजी, हुकूमत के पंजे में तड़पती हुई लाखों मां को रोते नहीं देखा। समझती हूँ मैं दवा पीकर अच्छी हो जाऊंगी? मर्ज क्या है, दवा क्या चाहिए, कोई नहीं जानता, कोई नहीं पूछता। कोई पूछे तो आप बताएंगे? तुमने कभी किसी से प्रेम किया है? नहीं तो तुम क्या समझोगी? किसी की सूरत देखना मेरा इलाज है, किसी की बातें सुनना मेरी दवा है, मगर कौन जाने वो कहाँ है। आप उन्हें पुकारिए, शायद वो आ जाए। उन्हें पुकारते पुकारते तो मेरा ये हाल हो गया है। एक बार फिर पुकारिए, वो कहीं भी हो जरूर आ जाएंगे। सच? मगर बिना बीमारी में क्या हाल हो गया है, वो मुझे पहचान सकेंगे? वो आपकी आवाज तो पहचान लेंगे। हाँ तो तुम ये रोशनी बंद कर दो, वो सिर्फ मेरी आवाज सुने, मुझे देखे नहीं। को नैन बेचारे, मैं
पहचाना तो, पर बहुत देर में मैं पत्थर की मूर्ति को देवी समझता रहा, कांटे को फूल समझता रहा, तुम्हारे फरेब को मोहब्बत समझता रहा। ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ शीला, बहुत देर हुई मुझे तुम्हें पहचानने में, बड़ी भूल हुई मुझसे, और इस भूल में मैं अपना सब कुछ खो बैठा। राम। लेकिन अब मैं होश में हूं, तुम्हारी आंखों के हलके और तुम्हारे सूखे हुए होंठ में देख रहा हूं। लेकिन उस दिन इसी कमरे में विनोद के सीने पर तुम्हारा प्यार से झुका हुआ सर भी मैंने देखा था, इन्हीं आंखों ने देखा था। उस दिन तुम खुश थी और यही देखकर मैंने मौत का उठता हुआ हाथ उस पर से रोक लिया। तुम मेरे कागजात उसे देकर यह समझी थी कि मैं पकड़ा जाऊंगा, मुझे फांसी हो जाएगी और तुम्हारे रास्ते के तमाम कांटे दूर हो जाएंगे। लेकिन तुम्हारी ये ख्वाहिश भी पूरी नहीं हुई शीला, उस रोज भी अगर मैं चाहता तो उसे वहीं खत्म कर देता। लेकिन मुझे ये ख्याल आ गया कि मैंने कभी किसी से मोहब्बत की थी, मुझे किसी के उजड़ते हुए सुहाग का ख्याल आ गया। खैर, मैंने ये गिले शिकवे करने आया हूं ना तुम्हें देखने, मुझे एक जरूरी काम यहां लाया है। एक जरूरी काम? हाँ, विनोद से कह दो गुरुजी और गोपाल भैया को रिहा कर दे। मैं क्यों उनसे कहूं, मैंने तो तुम्हें धोखा दिया है ना, फिर मैं तुम्हारा काम क्यों करूं? अपना सुहाग कायम रखने के लिए, अगर विनोद ने उन्हें ना छोड़ा तो वो भी जिंदा नहीं रह सकता। शीला, राम, विनोद आ रहा है। तुम अच्छी तरह सोच लो। राम, तुम भी मुझे नहीं समझे, तुम भी मुझे नहीं समझे राम। रो रही हो, रुलाने वाली रो रही है। राम की याद आती होगी, लेकिन वो बेचारा आए कैसे, और अगर आए भी तो मेरे लिए तो बहुत अच्छा है। उस दिन जो कागज छोड़ गया था खूब काम आए थे। तुम दोनों कितने बेवकूफ हो, तुमने भूल से राम के कागज मुझे दे दिए, मुझे उसके ठिकाने का पता चल गया, और राम तो उस दिन मुझे जान ही से मार डालता। लेकिन मैंने कहा शीला मुझसे मोहब्बत करती है,
बस उस बेवकूफ ने मुझे छोड़ दिया। तुम कितने बुजदिल हो, तुमने झूठ बोलकर अपनी जान बचाई। और राम कितना बहादुर है, उसने हाथ में आए हुए दुश्मन को छोड़ दिया। राम बहादुर और मैं बुजदिल हूं। जी में आता है कि तुम्हारी जबान खींच दूं, गला घोंट दूं तुम्हें। राम के लिए तुम्हारा ये हाल हो रहा है, मेरी सख्ती का निशाना बन रही हो, लेकिन फिर भी तुम्हारे दिल से राम का ख्याल नहीं जाता। राम का ध्यान कैसे जाए, मैंने उससे मोहब्बत की है, सौदा नहीं किया। मेरी आखिरी सांस तक मुझे राम का ध्यान रहेगा। शादी से पहले भी तुम यही कहा करती थी, लेकिन तुम्हारे मनाने का तरीका मुझे आता है। गोपाल की मौत की डर से तुमने मेरे साथ शादी की, इस वक्त गोपाल मेरे पंजे में है। तुम अपने आप को मेरे हवाले कर दो, नहीं तो गोपाल को मैं फांसी के तख्ते पर लटका दूंगा। मुझे गुरुदेव और गोपाल भैया की रिहाई चाहिए, मुझे गुरुदेव और गोपाल भैया की रिहाई चाहिए। अगर मैं अपने आप को तुम्हारे हवाले कर दूं, तो तुम गुरुजी और गोपाल भैया को छोड़ दोगे? छोड़ तो नहीं सकता, हाँ फांसी की सजा से जरूर बचा सकता हूँ। अच्छा, तो तुम मुझे उनसे एक दफा मिला सकते हो? तो क्या तुम मुझे एक दफा उनसे मिला दो? अच्छा, मैं जाकर के उन्हें ले आता हूँ, मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी हो जाओगी। तुम चले जाओ यहां से। मैंने कहा तुम चले जाओ यहां से। मुझे मिल गए राम, अब मैं चैन से मर सकूंगी। ऐसा नहीं होगा शील, तुम जियोगी, मेरे लिए जियोगी। मैंने तो ऐसा ही चाहा था। तुम जो चाहोगी वैसा ही होगा, तुम्हें जिंदा रहना है क्योंकि मुझे जिंदा रहना है। तुम पहाड़ों पर चली जाओ शील, मैं भी वहां आऊंगा। तुम वहां आओगे राम? हाँ, मैं वादा करता हूँ मैं वहां आऊंगा, फिर तुम अच्छी हो जाओगी। और जो मैं अच्छी ना हुई तो? ऐसा ना कहो शील, मैं तुम्हें ईश्वर से मांग लूंगा। ईश्वर तुम्हारी मानेंगे? उन्हें मानना ही पड़ेगा। वैसे ही हो राम, बिल्कुल वैसे। राम, विनोद आ रहा है। मैं अपने वादे के मुताबिक इन्हें ले आया हूं, अब तुम्हें अपना वादा पूरा करना होगा। विनोद, मैं इनसे कुछ बातें करना चाहती हूं। हाँ हाँ, बेशक बेशक। तुमने हमारे यहां लाए जाने के लिए कोई वायदा किया है?
तुम्हारी ये हालत क्या हो गई है? कुछ नहीं, अच्छी भली हूँ। तुम्हारी शक्ल से तो ये मालूम होता है जैसे तुम्हें मुस्कराए हुए भी एक जमाना गुजर गया हो। नहीं, मैं खुश हूँ। नहीं शीला, तुम खुश नहीं हो। मुझे याद आ रहा है, एक मर्तबा मैं पहले भी इसी तरह जेल से छोड़ दिया गया था। कहीं तुमने मेरी खातिर तो विनोद से शादी नहीं की? शील, ये तुमने क्या किया? शील, मेरी खातिर अपना सुख, अपना प्रेम, सब कुछ बलिदान कर दिया। मैंने तो कुछ भी नहीं किया भैया, मैंने तो भाइयों के लिए अपना जीवन तक बलिदान कर देती है। फिर भी क्यों किया शील? भैया, विनोद कहता था तुम फांसी पर चढ़ा दिए जाओगे। तो भी क्या होता, क्या हो जाता शील? मेरी अच्छी बहन, मुझे माफ करना, मैंने तुम्हारा दिल दुखाया था। राम, गोपाल भैया। अच्छा शील, भैया आगे। गोपाल भैया चल चले। मैं नहीं जाऊंगा, तुम जाओ राम। क्यों नहीं जाओगे? मैं अहिंसावादी हूँ राम, हमारा असूल छिप कर लड़ना नहीं बल्कि सत्याग्रह करते हुए गिरफ्तार हो जाना है। पागल नहीं बनोगे? तुम जाओ राम। भैया तुम जाओ राम, भगवान तुम्हारी रक्षा करे। जाओ जाओ। क्या बात है विनोद? कुछ नहीं पिताजी। इधर आ मेरे साथ। दीदी विनोद साहब, टीबी किस स्टेज में पहुंच चुका है? आप जल्द ही इन्हें किसी पहाड़ पे भेज दीजिए। भेज दूंगा। हाँ जरूर भेज दीजिए। जरूर भेज दूंगा। वहां राम आएगा। राम आएगा? मैं उसे गिरफ्तार करूंगा, मैं उसे गिरफ्तार करूंगा। साहब इलाज की तो आपको भी जरूरत है। हाँ मेरा इलाज भी हो जाएगा वहां। क्यों जगाया मुझे? सो जाते तो, मैं थक गई हूं।
आए तो उसे कह देना शील तुम्हारे इंतजार करके चली गई। ऐसा ना कहो शीला देवी, वो जरूर आ जाएंगे और तुम भी जिंदा रहोगी। नहीं, अब मैं जिंदा नहीं रहूंगी। देखती नहीं ये बेहोशी, मौत की बेहोशी है। राह तकती रही मगर तुम नहीं आए। काश तुम आ जाते, मैं तुमसे मोहब्बत के गीत सुनती और फिर शील। उठो शील, मैं आ गया हूं, मैं आ गया हूं शील। क्या जवाब दिया जाए राम? मेरा ख्याल है आज शाम की गाड़ी से तुम खुद ही चली जाओ। गुरुजी से कह देना कि शील के अच्छे होते ही मैं आ जाऊं। हम आपके लिए कुछ लाए। क्या? कितने अच्छे हैं। आपने हमसे कहा? हमने फूलों से कहा। राम, अब तुम अपने आप को गिरफ्तार समझो। विनोद, मुझे शीला के सामने गिरफ्तार न करो। अपने हाथ में आए शिकार को छोड़ देना, मैंने नहीं सीखा। मैं वादा करता हूँ कि आज रात को मैं अपने आप को तुम्हारे हवाले कर दूंगा। रात होने में बहुत देर है। शीला का ख्याल करो विनोद, वो अभी अभी अच्छी हुई है। देखो राम, मैंने ये फूल। राम, राम। अच्छा, तुम जा सकते हो, लेकिन ख्याल रखो भागने कोशिश नहीं करना। कोने कोने पर मेरे आदमी मौजूद हैं। राम, राम। किसी से बातें कर रहे थे? गुरुजी ने संदेशा भेजा है।
मुझे कैंप जाना होगा। तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे राम? मैं तुम्हें छोड़कर कब गया शील? हमेशा तुम्हारे पास ही रहा। मत जाओ। मुझे जाना ही पड़ेगा शील, मैं वादा कर चुका हूँ। लौटकर कब आओगे? जब मैं देश की आजादी की जंग जीत लूंगा, जब लोग मुझे कंधों पर उठा लेंगे, जब तुम फूलों का हार लिए मेरी राह तक रही होगी। मैं राह तकती रहूंगी। जाओगे कब? मैं नहीं जानना चाहती। मुझे वो घड़ी ना बताओ जो मुझे तुमसे जुदा करेगी। तुम इस वक्त मेरे पास हो, मेरे लिए सब कुछ है। तुम चले जाना। बदनाम ना हो जाए मोहब्बत का फसाना, तो दर्द भरे आंसू आंखों में नाना। बदनाम ना हो जाए, बदनाम ना हो जाए मोहब्बत का फसाना, तो दर्द भरे आंसू आंखों में नाना।
बादशाह से बगावत करना, इस मकसद के लिए एक पार्टी में शामिल होकर लोगों में बगावत का प्रचार करना, गांव में डाका डालना, सरकारी खजाने को लूटना, हुकूमत के अफसरों को कत्ल करना और पुलिस की चौकियों को जलाना। सरकार तुम्हें अपनी सफाई पेश करने के लिए वकील मुकर्रर करने की इजाजत देती है, और अगर तुम खुद अपनी तरफ से वकील मुकर्रर नहीं कर सकते हो तो सरकार की तरफ से तुम्हारे लिए वकील मुकर्रर हो सकता है। मेरे लिए वकील मुकर्रर करेंगे आप ही मेरी किस्मत का फैसला भी करेंगे। ये दोहरी तदबीरें एक मजाक से क्या कम है। वकील, अदालत, कानून, ये सब एक खेल है, एक विदेशी नट का ढोंग है। मैं इस ढोंग में कोई हिस्सा नहीं लेना चाहता। तो तुम्हारा मतलब ये है कि तुम अपने लिए कोई वकील नहीं चाहते? माय लॉर्ड, मुजरिम का वकील मैं हूं। बीस साल तक सरकार की खिदमत के बाद आपने इस्तीफा दिया इसलिए कि आप अपने बेटे के उन गुनाहों की हिमायत करें जिन गुनाहों के लिए आप खुद लोगों को सजाएं देते रहे हैं। जी हां, मैं इसीलिए हाजिर हुआ हूं कि आप सबके सामने इकबाल करूं कि जिंदगी के 20 साल में गलती पर था। वो जिंदगी के बेहतरीन 20 साल जिसमें अपनी मुल्क की खिदमत करने के बजाय मैंने अपने मुल्क के साथ गद्दारी की और जिसका सिला ये मिला। इसलिए कि आप मुजरिम के बाप हैं और कानून के पंजे से अपने बेटे को बचाना चाहते हैं। मैं अपने बेटे को बचाने के लिए यहां नहीं आया हूं। मैं ये जानता हूं कि यह कार्रवाई एक फरेब है, और मैं ये भी जानता हूं कि मुजरिम की सजा मुकर्रर हो चुकी है और अब किसी भी वकील की बहस से वो बदली नहीं जा सकती। मुजरिम के खिलाफ जो इल्जाम हैं उनके बारे में आपको क्या कहना है? मुजरिम के खिलाफ जो इल्जाम की फहरिस्त सुनाई गई है वह बिल्कुल गलत है। मुजरिम के खिलाफ सिर्फ एक ही इल्जाम है, बादशाह के खिलाफ बगावत। मुजरिम ने जो कुछ किया है उसी बगावत के रास्ते पर चलते हुए किया है। विदेशी सरकार के खिलाफ बगावत करना कोई जुर्म नहीं। मैं आपसे पूछता हूं कि किस गुलाम मुल्क में आजादी के लिए बगावत नहीं हुई, आजादी के लिए कत्ल खून नहीं हुए? अमेरिका में आजादी की जंग लड़ी गई, फ्रांस में हुकूमत का तख्ता उलट दिया गया, रूस में इंकलाब हुआ, और आज जिन अंग्रेजों के इशारे पर आप
आजादी की तहरीक को कुचल रहे हैं। उन्होंने खुद अपने बादशाह चाल संबल को फांसी के तख्ते पर लटकाया था। उस वक्त बागियों को डाकू कहा गया और आज उन डाकुओं को हीरो कहा जाता है। नाकाम इनकलाब का नाम बगावत है और कामयाब बगावत का नाम इनकलाब होता है। आज हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा इस आजादी की जंग में कूदने को तैयार है। आप इस जोश को बगावत कहकर खुश हो सकते हैं, आप मुजरिम को सजा दे सकते हैं, इसलिए ये बगावत अभी इनकलाब नहीं हुई। अगर ये बगावत इनकलाब हो जाती तो मुजरिम के कटहरे में आप खड़े होते, अपने जुर्मों का कफारा अदा करने के लिए मैं खड़ा होता और कोई बागी इस अदालत की कुर्सी पर बैठा होता। आपको इनकलाब जिंदाबाद, राय बहादुर द्वारका दास जिंदाबाद, जिंदाबाद। राम को मुस्लिम का वकील बेमतलब बातें कह रहा है, अदालत की तौहीन कर रहा है और मुजरिम को हीरो बनाने की कोशिश कर रहा है। आप मुजरिम के बारे में क्या कहना चाहते हैं? मुजरिम राम मुजरिम है। उसने अपने गुलाम मुल्क को आजाद कराने के लिए आवाज बुलंद की, वो मुजरिम। उसने भूखों नंगों की मदद की और वो मुजरिम। उसने गद्दारों को रास्ते से हटाया और वो मुजरिम। वो भी आईसीएस हो सकता था, आपकी तरह वो भी अदालत की कुर्सी पर बैठ सकता था। उसने अपने मुल्क के लिए रुपया, पैसा, इज्जत, आराम, ओहदा, खुशी सब कुछ ठुकरा दिया। जज्बात की राह में बहकर आप कानून की हमदर्दी हासिल नहीं कर सकते, इसके जुर्म तो जुर्म ही रहेंगे। हाँ, वो मुजरिम है और उस पर मुकदमा चलाने वाली आपकी ब्रिटिश सरकार बेगुनाह है। आपकी ब्रिटिश सरकार ने लाखों बेगुनाहों की जान ली, लाठीचार्ज किए, गोलियां बरसाई, चलियान वाला बाग में कौमी परवानों को जुल्म की गर्म भट्टी में झोंक दिया, लाला लाजपत राय पर लाठियां बरसाई, भगत सिंह को फांसी के तख्ते पर लटकाया और आपकी ब्रिटिश सरकार बेगुनाह। इन्हें बांध दीजिए। और राम मुजरिम है। आप मेरी आवाज बंद कर सकते हैं, इनकलाब की आवाज बंद नहीं कर सकते। इंपीरियलिज्म की दीवारें थर्रा रही हैं, आप उनको थामना चाहते हैं। जलजला आएगा, महल टूटेगा, दीवारें गिरेंगी और आप भी उसके साथ गिरेंगे। लोग आप पर हंसेंगे, कहेंगे ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने मुल्क की आजादी को बेचा, वतन को बेचा, इंसानियत को बेचा। उस वक्त आप मुल्जमों के कटहरे में खड़े होंगे और कोई राम अदालत की कुर्सी पर बैठकर आपकी तकदीर का फैसला करेगा। राम को फांसी की सजा होगी। बड़े हो गए हो, लोग तुम्हारी जय जयकार करते हैं, कहते हैं राम जिंदाबाद। ये सब तुम्हारा ही तो आशीर्वाद है मां। तुमने सारी उम्र आशीर्वाद के सिवा और कुछ नहीं मांगा, कुछ और मांगो बेटा। मैं एक बार शील से मिलना चाहता हूं मां। मैं ले आती हूं उसे। तुम कितनी अच्छी हो मां। देखिए ये शरीर क्या कह रहा है, आप इसे कुछ कहिए ना, कुछ तो कहिए। पिताजी, अब तुम जाओ। हाँ।
वतन के नौजवान शहीद हो, वतन की राह में वतन के नौजवान शहीद हो, पुकारते हैं ये जमीनों आसमां शहीद हो, वतन की राह में वतन के नौजवान शहीद हो। वतन की लाज जिसको थी, वतन की लाज जिसको थी, अजीज अपनी जान से, वो नौजवान जा रहा है आज कितनी शान से, इस एक जवान की खाक पर हर एक जवान शहीद हो। वतन राह में वतन के नौजवान शहीद हो। है कौन खुश नसीब माँ के जिसका ये चराग है, चराग है, वो खुश नसीब है कहाँ ये जिसके सर का ताज है, अमर वो देश क्यों न हो कि तू जहाँ शहीद हो। वतन की राह में वतन के नौजवान शहीद हो।
देखो राम, लोगों ने तुम्हें कंधों पर उठा लिया है और मैं फूलों का हार लिए तुम्हारी राह देख रही हूं। मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो राम, तुम मेरी तरफ देखते भी नहीं। वही हुआ ना जो मैं कहती थी, तुम्हें इतनी फुर्सत भी ना होगी कि मेरी तरफ एक आंख उठाकर देख सको। अच्छा, मेरी तरफ देखते नहीं, तुम मेरी है, फिर तो स्वीकार कर लो। शहीद तेरी मौत ही तेरे वतन।